हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है पबजी को लेकर। पबजी को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। टोटल 118 एप्लीकेशंस बैन हुए हैं, जिसमें पबजी भी शामिल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दफा भारत में 59 एप्स को बैन किया गया था, और उस टाइम टिकटॉक सबसे फेमस एप्लीकेशन था, फिर भी उस ऐप को बैन कर दिया गया। लेकिन अब 118 एप्लीकेशंस और बैन किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी ऐप पबजी ही है। आप यहां पर बैन हुए एप्लीकेशंस की लिस्ट देख सकते हैं। यहां पर एप्स के लंचर, सिक्योरिटी, क्लीनर, बैडो, जजैक प्रो, इसके साथ साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस और तरह तरह के गेम्स भी मौजूद हैं। लेकिन अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सभी एप्लीकेशंस बैन हुए कोई बात नहीं, लेकिन पबजी को क्यों बैन किया गया। तो अगर मैं एकदम क्लियरली बोलूं तो पबजी एक चाइनीज ऐप है, इसलिए भारत सरकार ने पबजी को बैन कर दिया। अगर आप पबजी खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि पबजी गेम जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ही टेंसेंट लिखा हुआ आता है। क्या आपको पता है कि टेंसेंट क्यों लिखा हुआ आता है? क्योंकि पबजी में टेंसेंट कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है। तो अब वो एप्लीकेशंस भी बैन हो रहे हैं जिसका थोड़ा सा भी लेना देना चाइना से है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ये कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स को बैन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जो कि पबजी के ऊपर है, पबजी की पूरी केस स्टडी है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देखिए इस वीडियो को, और आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, पबजी तो बैन हो चुका है, लेकिन पबजी लवर्स क्या करेंगे? उनका एक ही सॉल्यूशन है, वो थोड़ी देर के लिए कोई सा भी गेम खेलने, लाइक फ्री फायर, GTA वगैरह। लेकिन ज्यादा देर तक गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी खराब हो। दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप गेम खेलने की जगह बुक्स पढ़ सकते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वैसे आपका क्या कहना है इस बैन के बारे में, पबजी बैन के बारे में? क्या आप इससे खुश हैं या दुखी हैं, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो देखना ना भूले। आगे कौन कौन से ऐप्स बैन होने वाले हैं जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।